क्वेश्चन माय क्वेश्चन मेरे दोस्त सवाल है आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है, आप सबको इस्लामी साल का आगाज मुबारक हो, अल्लाह आपका ये साल बखैर व आफियत गुजारे और आपको इस साल में रहमतें समेटने और जहमतों से दूर रहने की तौफीक सलाहियत और मौके फराहम करे। पूछे का वक्त है, आपके सवाल हमारे जवाब। तलत भाई, ज़ुल्करनैन हैदराबाद कर रहा हूँ। अरे तलत भाई, मेरा छोटा सा सवाल है। पहली बात यह है कि आप बता दें कि क्या जनरल बाजवा साहब का दौरा सऊदी अरब नाकाम रहा? तलत भाई, मैं इस्माइल बात कर रहा हूँ कराची से। तलत भाई, ये इनका जो आर्मी चीफ और DGIS है जो जिनका विजिट हुआ है सऊदी अरबिया, खाली आते हैं, तो अब क्या होगा, शामुल क्रोशी जाएंगे या मतलब वो अभी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे? सर प्लीज़ कमेंट करें। देखिए, जो मेरे पास इत्तलात हैं, जो बुनियादी पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो तो अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं, और जब हालात बहुत भी अच्छे होते थे, जो कि आजकल नहीं हैं, उसमें भी जो पाकिस्तान की फ़ौज का सऊदी अरब के दिफाई डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक है बहुत गहरा रहा है। अब ये ताल्लुकात जो हैं, इनके इलाकाई, इनके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, मफादात इन्वॉल्व हैं, इनके अंदर बाहमी मफादात इन्वॉल्व हैं, और इनके अंदर एक लंबी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। तो ये समझना कि जैसे ये ताल्लुकात बुरी तरह इस जाविये से भी मुतासर हुए हैं, मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। ये ज़रूर है कि जो ओवरऑल इक्वेशन है, जो तरतीब बनी हुई थी पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात की, वो यकीनन मुतासर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़ी बदकिस्मती की बात है। आपने मेरे इन वीडियो लॉग्स में देखा होगा और अपने पूछें के अंदर भी जब आप सवाल भेजते हैं तो मैंने मुसलसल यही पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया है कि किसी भी मुल्क को अपने मफादात को परसू करने के लिए पूरा मौका हासिल है और होना चाहिए, और जब पाकिस्तान अपने मफादात को दूसरे ममालिक के मफादात का ताबे करता है तो उसके ऊपर एतराज़ भी यकीनन बनता है। लेकिन अगर आपने किसी मुल्क के साथ इतने अरसे से दोस्ती बनाई है और उस मुल्क ने कभी आपको आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या आपकी मंशा के बग़ैर किसी ऐसे रास्ते पे नहीं लगाया जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते थे, तो फिर आपको उस मुल्क के साथ ताल्लुकात इस हद तक बिगाड़ कर एक खामखा की नई सड़क तैयार करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? सऊदी अरब एक बहुत अहम मुल्क है, उसकी अहमियत आने वाले सालों में अगर कम बढ़ती नहीं है तो वो कम भी नहीं होगी, और पाकिस्तान के साथ दूसरे ममालिक की तरह उसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। सिर्फ मामला एड का नहीं है कि वो हमें पैसे दे देते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, या उनसे हम सस्ते दामों तेल ले लेते हैं, या वो मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकामात की एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, या वहाँ पर लोग काम करते हैं। मामला ये है कि उनकी सफारतकारी के साथ रहते हुए हम अपने बहुत सारे मफादात हासिल कर सकते हैं। अगर वक्ती तौर पर वो कश्मीर पर आपको सपोर्ट उस तरह नहीं कर रहे जो आप शामुल कुरैशी का बयान यह था, तो इसको भी टैकल करने के तरीके हैं। मतलब सफारतकारी जो है वो मुँह मारी से बिल्कुल अलहदा होनी चाहिए। अब मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि जब आपने किसी मुल्क को सर पर बिठाना होता है तो आप उसको अपने सर का ताज बना देते हैं, और जब वक्ती धचका लगता है किसी और रुख आपने जाना होता है तो आप उसको उठा के पटक देते हैं। तो ना सिर्फ वो मुल्क से मुतासर होता है बल्कि जिन ममालिक के साथ आप दोस्ती बना रहे होते हैं वो भी ये देख रहे होते हैं कि आपका कंडक्ट क्या है। अच्छा, और अब हम जो दोस्ती बना रहे हैं वो किन ममालिक के साथ बना रहे हैं जिनकी अपनी अहमियत मौजूद है? तुर्की की अपनी अहमियत है, मलेशिया की अपनी अहमियत है, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, लेकिन जो कोर इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान के इन तमाम ममालिक के साथ हालात को बराबर रखते हुए जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनको अपने से नाला किए बगैर इंटरेस्ट आप सर्व करते हैं। अब शामुद कुरैशी साहब ने ये बयान दे दिया और मैं इस बात पर इसरार करूँगा कि ये जो बयान है वो बयान शामुद कुरैशी साहब का इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकता। और अब इसमें आप सवाल उठाते हैं कि इमरान खान साहब की कितनी मर्ज़ी इसके अंदर शामिल होगी। वज़ीर आज़म है और उन्होंने बहुत सारे मकामात के ऊपर अपनी खारजा पॉलिसी चलाने की कोशिश की है बग़ैर किसी से पूछे हुए। टेलीफोन कॉल जो है वो डायरेक्टली रिसीव करते हैं, फॉरन ऑफिस के बीच में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, फिर बयान दे देते हैं अमरीका के साथ ताल्लुकात हों, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हों, ईरान के साथ ताल्लुकात हों। तो ऐसा नहीं है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो
अक्ल समझ से आ रही हैं, वो ये काम करते हैं। इस वक्त जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, ये मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उनको टैकल किया गया, मैं सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा, जिस तरीके से उनको टैकल किया गया है, इस तरह के आपको बहुत सारे दौरे करने पड़ेंगे, तब जाके हालात निस्बतन आपको ओवरऑल नॉर्मल होते हुए नज़र आएंगे। जो मोहम्मद बिन सलमान है वो और किस्म के लीडर हैं, और सऊदी अरब की जो शाही ख़ानदान की तारीख है वो ना भूलते हैं और ना वो बात को छोड़ते हैं, ये ज़हन में हमारे होना चाहिए। तो जब आप कुछ बड़ा मसला खड़ा करते हैं खाम खा का, तो फिर आपको याद रहना चाहिए कि एक आध दौरे से वो मसला तय नहीं होगा। सो उम्मीद करते हैं कि मामलात ठीक हो जाएं, लेकिन ये कमाल है कि पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत के नुमाइंदगान कुछ भी कर दें तो उसके ऊपर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ये बहुत बड़ा धचका खारजा पॉलिसी के मैदान में। तलत भाई, ये हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान के दरमियान जो हाथापाई हुई है, तो सुना शाह महमूद कुरैशी ने बड़े थप्पड़ रसीद किए हैं आज़म खान को, ज़रा थोड़ा तबसरा करें। जी सलाम भाई, मुझे एक सवाल पूछना था कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान हाथापाई की जो खबरें हम सुन रहे हैं, तो इसकी क्या इसमें कैसी सच्चाई है और इसका पस मंज़र आप प्लीज़ बताना पसंद करेंगे? अब देखें, मैंने इसके ऊपर स्टेज भी किया, वजाहत भी की, जो मेरी मालूमात हैं वो वही हैं जो उस स्टेज के अंदर थी, जो मैंने बताया कि मेरी मालूमात के मुताबिक, और मैंने कभी दावा ही नहीं किया कि मेरी मालूमात हतमी हैं, लेकिन जो मेरे तक मालूमात पहुंची हैं उसमें मैं थोड़ा सा ये भी इजाफा कर सकता हूँ कि जब आज़म खान से उनके करीबी दोस्त ने पूछा कि आप ये वाक़या हुआ है, तो उन्होंने इसको उस दोस्त के मुताबिक बताया कि ये लाफेबल बात है, इसके ऊपर मुझे हंसी आ रही है। अच्छा, फुल डिस्क्लोजर मैं यहाँ पे कर दूँ आपके सामने कि आज़म खान मेरे क्लास फेलो हैं कायज़म यूनिवर्सिटी से, और मैं उनको बहुत तवील अरसे से जानता हूँ, उनसे रबते में भी रहता हूँ, लेकिन जब से वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं इमरान खान साहब से, मेरा उनके साथ कोई रबता नहीं है, और जो सोशल हेलो हाय है वो भी नहीं है मेरी उनके साथ। तो कहीं आप ये ना समझें कि मैं बार बार इस वाक़े कि एक ख़ास तशरीह इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरा उनके साथ कोई पुराना ताल्लुक वास्ता है। मेरे पास जो मालूमात हैं वो यही हैं। शाह महमूद कुरैशी से भी मैंने खुद बात की, भी मैं आपको चले बता देता हूँ, फुल डिस्क्लोजर कर देता हूँ, शाह महमूद कुरैशी से भी मैंने खुद बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अब ये सोशल मीडिया पर ये बात चली जा रही है और इतने मौसर अंदाज से चली है कि आप इसरार कर रहे हैं कि वाकया हुआ। अच्छा, इसमें एक और भी दिलचस्प बात है, ये कोई अल्ताफ़ हुसैन साहब एम क्यू वाले जो उनके चहीते सहाफ़ी एक दो हैं, उस ज़माने में उनको अपने वालद का दर्जा दिया करते थे नज़रियाती तौर पर, उनको बड़ा शौक़ है कि मैं जो अहम ट्वीट करता हूँ उसकी तशरीह में लग जाते हूँ। तो सहाफ़ी का काम है कि आप अपना काम करें, कोई अपनी मालूमात लेके आएँ, कोई अपना तजिया करें, आप दूसरों के ट्वीट्स की तशरीह करते रहते हैं। चलें, अब जब बंदा फारिग हो जाता है तो उसके पास यही काम रह जाता है। तो उन्होंने कह दिया, एक ने कह दिया जी कि मैंने तो जहांगीर खान तरीन के बारे में कहा कि उन्होंने ये खबरें फैलाई हैं। मैंने जहांगीर खान तरीन के बारे में कभी नहीं कहा, लेकिन मैं इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकता। ऐन मुमकिन है, उनकी लड़ाई आज़म खान के साथ भी है, उनकी लड़ाई शाह महमूद कुरैशी के साथ भी है, बिल्कुल इम्कान को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ दर्जनों और इम्कान मौजूद हैं कि आज़म खान को फारिग करवाने के लिए, आप देखें उनके खिलाफ़ कैंपेन चल रही है, वो अपने ससुरालियों में से मुबैना तौर पर किसी बंदे को उन्होंने फेवर की, तो वो तहरीक जो है इस्तेकाक की जमा करवा दी असम्बली के अंदर। मालम जबा केस जो है उसका बार बार आपको हवाला नज़र आता है, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो वर्ल्ड बैंक के अंदर नौकरी लेने के मतलाशी हैं और यहाँ से चले जाएंगे। तो आपको एक मोमेंटम नज़र आता है, अब ये मोमेंटम जो है इन खबरों के ज़रिए सस्टेन किया जाता है। ये कौन कर रहा है? ये तो ज़ाहिर है हुकूमत, जिनके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं टेलीफोन कॉल सुनने के और मॉनिटर करने के, वो करेंगे ना। और ये दिलचस्प बात है कि जहांगीर खान तरीन का एक ग्रीवेंस चले आगे उनका जिक्र हो रहा है, ये भी था कि उनके ख़िलाफ़ जो है हुकूमत अपने इंटेलिजेंस के इदारे लगाती है और उनके टेलीफोन टैप करती है, उनके घर के सामने कैमरे लगाए हुए हैं। तो जिस हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं, अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं तो वो फिर पता करवा लें कि ये सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चला रहा है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक
ये एक कैंपेन जो है इसका ताल्लुक इस तरह के किसी वाक्य से नहीं है। लेकिन दोबारा मैं दोहराऊंगा कि आप इम्कानात को रद्द नहीं कर सकते। जिस तरीके से इस कैंपेन को चलाया गया है और जिस तरह मैंने साफियों का जिक्र किया, उनमें से चंद एक मेरे और दूसरों के ट्वीट्स की तशरीह कर रहे हैं कि जिनका यह मतलब है, इससे आपको पता चलता है कि ये कैंपेन तो चल रही है। मेरी मालूमात वही है कि ऐसा वाक़या नहीं हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी कौन चला रहा है, और अगर उसमें कामयाबी है तो वो कौन उसका क्रेडिट लेता है, और जो नाकामी होती है उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आनी चाहिए। बस कहने का मकसद ये है कि ना हक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, चाहें जो सो आप करें हमको बस बदनाम किया। लेकिन आप कहते हैं कि शेरी मजारी ने इमरान खान के पूछे बगैर या बताए बगैर ये बयान नहीं दिया होगा, तो क्या इमरान खान ने किसी से पूछे या बताए बगैर शेरी मजारी को इजाज़त दी है बयान देने की? जी, आपकी बात दुरुस्त है। जब हुकूमत वक्त के बड़े बड़े मामलात इस्टेब्लिशमेंट तय करने लग जाए, जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमन मुज़ाकरात से लेकर सऊदी अरब और यूएई और कतर के साथ सफारतकारी तक, जब अमेरिका के सदर और दिफा के जो नुमाइंदगान हैं और इंटेलिजेंस के नुमाइंदगान हैं, वहाँ से लेकर हिंदुस्तान के साथ राहदारी तक, कश्मीर हो या काशगर हो, हर जगह पर आपको इस्टेब्लिशमेंट का फुटप्रिंट इतना बड़ा नज़र आता है, तो ज़ाहिर है जो फैसले कर रहे होंगे जिम्मेदारी फिर उनकी बनती है। लेकिन मैं दोबारा आपको उस तरफ लेके जाऊंगा कि हुकूमत और हुकूमत के जो अहदेदारान हैं, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा हों, चाहे वो ना दिखने वाले वज़ीर दिफा हों, हमेशा गैर हाजिर रहने वाले वज़ीर दिफा हों, और वो किसी दिफाई मामले पर नज़र नहीं आए और सिर्फ बस के अंदर इमरान खान साहब के साथ नज़र आए, जब ये लोग मौजूद हैं, जब इमरान खान साहब तमाम चीज़ों का क्रेडिट अपने वज़रा के ज़रिए लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनको इन तमाम मामलात की जिम्मेदारी भी खुद उठानी चाहिए, चाहे किसी ने भी बयान दिलवाया हो। और ये मैं आपको बताऊं कि श्री मजारी की तरफ से जो बयान आया बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उन्होंने अपने मिनिस्टर और अपने इदारे की ऐसी की तैसी कर दी, ये बताते हुए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो ऐसी बातें करती रहती हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने टाइम किया है इस छक्के को। उन्होंने देखा कि शाह महमूद कुरैशी बैकफुट के ऊपर हैं और ऑलरेडी उनके ऊपर ताबड़तोड़ बरसात हो रही है, तो उन्होंने एक हमला कर दिया। इमरान खान की आशीर्वाद के बगैर ये हो नहीं सकता। अच्छा, अगर वज़ीर आज़म की आशीर्वाद नहीं है या सपोर्ट नहीं है, तो अगला काम जो करने का था कि इतने बड़े दो अहम मिनिस्टर हैं, इनके दरमियान वजारत खारजा को बीच में मुर्गी बनाकर आप पाकिस्तान के इदारों को हलाल किए जा रहे हैं और एक दूसरे की ऐसी की तैसी कर रहे हैं और कश्मीरियों का नाम ले रहे हैं, तो उनको एडमोनिश करना चाहिए था कि ऐसा नहीं आप करें, मना करना चाहिए था, वो भी नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? तो जाहिर है सपोर्ट दिए तो नहीं किया ना जी, इस वजह से। तो मैं तो इसके ऊपर इसरार करता हूँ कि ये मानते हुए कि इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारे जो नतज निकले हैं अच्छे या बुरे, उसकी ज़िम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान के ऊपर होगी। ये हो नहीं सकता कि आप पॉलिसी चला रहे हो और उसके बाद जब नतज गलत निकलने लग जाएँ तो फिर आप कहें जी कि नहीं जी, हमारा तो इसमें कसूर कोई नहीं। भैया, आप इसका हिस्सा रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो हतमी ज़िम्मेदारी है वो वज़ीर आज़म की है, वो वज़ीर ख़ारजा की है, वो वज़ीर दिफा की है, भले वज़ीर दिफा नज़र भी ना आ रहे हो आप। सही साहब, ये जो कराची में ये पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमकेएम और कुछ नामालूम अफराद के दरमियान कुछ मीटिंग और कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और हुए हैं, इसकी कुछ वजाहत फरमाइएगा। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट गिराने से सेनेट इलेक्शंस और मुख्तलिफ बिल्स, और अब ये इन सारे मामलात में पीपल्स पार्टी का जो उनका जो एक्शन और जो मूव्स नज़र आ रही हैं वो तो बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग, और उनकी जो जो बेसिक एक आइडियोलॉजी है उनकी, उससे तो टोटली कॉन्ट्राडिक्ट्री है, और वो कंटिन्यूसली इन्हीं लाइंस पे मूव कर रहे हैं। और कॉन्ट्ररी टू दिस, बिलावल साहब बड़ी एग्रेसिव और बड़ी इमोशनल तकरीरें करते हैं, और जरदारी साहब ने भी एक दफ़ा ईंट से ईंट बजा के
वो भाग तो गए थे लेकिन उन्होंने दावा बड़ा कर दिया था, तो ज़रा इसकी वजाहत फरमाइएगा कि ये तो सिर्फ अपनी वो सिंध के इक्तदार को बचाने के लिए अब वो ये भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं, ये क्लियर नहीं है, प्लीज़ इसकी वजाहत फरमाइएगा ज़रा। देखें, ये आपने बिल्कुल सही कहा, सवाल के अंदर ही जवाब आपने दे दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से आपको नारे बहुत बुलंद नज़र आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी सख्त नज़र आती है। मुराद अली चार ने उस दिन लंबी जोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो जरदारी लंबी जोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, लेकिन हर अहम मोड़ के ऊपर आपको जरदारी फैक्टर जो है पीपल्स पार्टी के अंदर वो भारी नज़र आता है। जिस तरह आप बात करते हैं नून लीग के अंदर मुख्तलिफ़ सोच के लोग मौजूद हैं, शहबाज शरीफ उनकी फैमिली किसी और तरफ जाना चाहती है, नवाज शरीफ उनकी फैमिली किसी और तरफ जाना चाहती है, लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ का होता है। इस तरह पीपल्स पार्टी के अंदर हो सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच मुराद अली शाह की बातचीत से उसका इजहार हो, मुराद अली शाह उसमें कह रहे थे कि हमारी पार्टी की पॉलिसी जो है वो आइन के ताबे है और ये इस तरह की कमेटी जो है वो सिर्फ वो इंतज़ामी कमेटी है, वो सियासी कमेटी नहीं हो सकती। लेकिन फिर उसके बाद आप ये कमेटियाँ बनाते हैं, पर क्यों बनाते हैं आप? आपकी क्या आइनी जिम्मेदारी है कमेटी के जरिए? इंतज़ामी कमेटी भी क्या कमेटी होती है वैसे मैं जानना चाहूँगा। आपकी इंतज़ामी ताकत मौजूद है, आप उस ताकत को इस्तेमाल करें और उसके ज़रिए आप मसाइल को हल करने की कोशिश करें, और अगर आपके पास कोई इंतज़ामी ताकत नहीं है तो कमेटी बनाने से आपके पास कोई ख़ास ताकत आ जाएगी? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि आप कहते हैं जी सियासी कमेटियाँ नहीं होनी चाहिए, इंतज़ामी कमेटियाँ नहीं होनी चाहिए। कमेटी होनी नहीं चाहिए, कमेटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कमेटी आप इंतज़ामी कमेटी कह रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी इंतज़ामी ताकत है जो कमेटी आपको दे सकती है? और कराची का मसला जो है आपने उसको चांद गाड़ी बनाने का मसला बना दिया, और उधर से आप कहते हैं मैं सफाई के लिए जाऊंगा, मैं सुपरवाइज करूंगा, और उधर से फिर आप कहते हैं जी कचरा उठाना हमारा काम नहीं है। फिर कराची के अंदर जो डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके क्रेडिट भी ले रहे हैं, और कराची के जो दूसरे मामलात हैं उनको मरकज़ के ऊपर भी डाल देते हैं और मेयर के ऊपर भी डाल देते हैं, अगर जो मेयर भी इसके अंदर मुर्दे इल्ज़ाम ठहरेगा। और फिर जो बड़े मोड़ आते हैं, चाहे वो चीफ को एक्सटेंशन देने का मामला हो या कानून पास करवाने का मामला हो, झट से आप वो काम करवा देते हैं। सेनेट के इंतखाबात के अंदर क्या हुआ था, लोगों को पता नहीं है किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। तो ये बातें जो हैं मेरे ख्याल में ख़ास हद से आगे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तो पीपल्स पार्टी की अगर आप बातचीत सुने तो साउंड्स उनकी बहुत अच्छी हैं, जो विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप जो लिस्ट जो आपने किया ये मामला तो देखें तो आपको वैसे ही नज़र आएंगे जैसे दूसरी जमातें हैं। तो ये सवाल जो आपने किया ये बिल्कुल मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि लोग इतने झांपू नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं, अहमक नहीं हैं जिस तरह आप उनको समझते हैं कि एक हाथ से आप बड़े मुक्के हिलाते हैं, दूसरे हाथ से आप साथ सलाम करते हैं। तो जज्बातियत जो है वो जो हरकात और सकनात और कारकर्दगी है उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती।